बागी मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के रुख सख्त हो गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली जाने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं, जिससे उनके बदले हुए रवैये के संकेत मिलते हैं। इस बीच असंतुष्ट चल रहे दूसरे मंत्री ओ पी सोनी ने अपने मंत्रालय का काम संभाल लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में स्थित सेक्रेटरिएट की पांचवी मंजिल पर स्थित लोकल बॉडीज मिनिस्ट्री के दफ्तर से नवजोत सिंह सिद्धू की नेम प्लेट को हटा दिया है। इसके बदले छठी मंजिल पर स्थित बिजली विभाग के मंत्रालय के सामने नवजोत सिंह सिद्धू की नेम प्लेट लगा दी गई है। इससे नवजोत सिंह सिद्धू को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि लोकल बॉडीज मंत्रालय दोबारा मिलने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा और उनको बिजली विभाग का काम ही संभालना पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा लोकल बॉडीज विभाग में शुरू की गई स्कीमों को रिव्यू करने के आदेश दिए हैं। लोकल बॉडीज मंत्री रहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने शहरी इलाकों में अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिद्धू की स्कीमों से असहमति व्यक्त करते हुए नए लोकल बॉडीज मंत्री ब्रह्म महिंद्रा को इन स्कीमों पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। इससे पहले पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जीरकपुर की नगर कौंसिल पर छापेमारी को भी नवजोत सिंह सिद्धू पर नकेल कसने के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो के एआईजी आशीष कपूर ने पिछले सप्ताह जीरकपुर नगर कौंसिल के ईओ गिरीश वर्मा से लंबी पूछताछ की थी। गिरीश वर्मा के मोबाइल फोन से कुछ मैसेज मिले हैं जो लोकल बॉडीज विभाग की ओर से भेजे गए थे। जीरकपुर के मामले में नवजोत सिद्धू के ओएसटी बन्नी संधू को शक के घेरे में लिया जा रहा है। खास बात यह है कि पंजाब में धान की बिजाई का सीजन चल रहा है। खुद सरकार ने किसानों को 13 जून से पहले धान की बिजाई न करने की सलाह दी थी। उसके बाद सरकार ने धान के किसानों को 8 घंटे बिजली की सप्लाई देने की गारंटी दी थी, लेकिन बिजली मंत्री के काम न संभालने के कैप्टन सरकार की किरकिरी हो रही थी। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी निर्देश दिए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिजली विभाग की कुछ जरूरी फाइलों को भी निपटाया है। कैप्टन ने सिद्धू के काम न संभालने तक बिजली विभाग की फाइलें उनको भेजने के निर्देश भी अफसरों को दिए हैं। सिद्धू के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस हाईकमान को भी सख्त संदेश दे दिया है। कैप्टन ने जता दिया है कि वे अब अनुशासनहीनता को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। नवजोत सिद्धू अगर अपने बिजली महकमे का चार्ज नहीं संभालते तो उनको मजबूरन किसी दूसरे मंत्री की नियुक्ति करनी पड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय दिल्ली में हैं और उनकी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रामविलास पासवान से मुलाकात हो चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कुछ अन्य बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कोई अंतिम फैसला हो सकता है। बता दें कि विभागों की अदला बदली से नाराज चल रहे मंत्री ओपी सोनी ने अपना काम संभाल लिया है। कैप्टन ने सोनी से स्कूली शिक्षा विभाग लेकर मेडिकल एजुकेशन विभाग दिया है। सोनी की नाराजगी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से नहीं बल्कि अफसर साई से थी। शिक्षा मंत्री रहते ओपी सोनी की शिक्षा सेक्रेटरी कृष्ण कुमार से पटरी नहीं बैठ रही थी। कृष्ण कुमार को अपने काम का जानकार और काबिल आईएएस अफसर माना जाता है। कृष्ण कुमार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार की निगाहों में भी अच्छे हैं। ओपी सैनी ने अपना विभाग बदलने के लिए सुरेश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद पंजाब के राजनीतिक गलियारों में यह चुटकुला चल रहा था कि एक अफसर ने मंत्री का तबादला करवा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह मामला निपटा दिया है। सोनी के काम संभालने के मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सलाहकार कैप्टन संदीप संधू भी मौजूद थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह वायुसेना के अधिकारी रहे हैं, पटियाला के राजघराने से संबंध रखते हैं, प्रशासन के कुशल संचालन के साथ राजनीतिक शतरंज के भी माहिर खिलाड़ी हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में बादल परिवार का नाम घसीट कर कैप्टन ने अपनी कलाकारी का परिचय दिया है। पूरे देश में सिर्फ पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस का दबदबा कायम है।
लेकिन कांग्रेस की अनाड़ी लीडरशिप सिद्धू और कैप्टन के विवाद को लंबा खींचकर अपनी ही जड़ों को काटने का काम कर रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।